वेलकम अगेन, ये है गुड मॉर्निंग विद सविका किचन और शेफ शाहिना शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी, हाउ आर यू? कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जबरदस्त, आज तवा शवा रख दिया है, तो आज बन रहा है तवा कीमा। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को, और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का, और सभी का प्रोग्राम देखते हैं आप लोग, और आप फीडबैक्स भी आने लगे हैं चैनल पे। तो दोबारा चैनल का नाम बता दूं, शेफ शाहिना शुमाइल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पेज भी शेफ शाहिना शुमाइल के नाम से। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी, चिकन तवा कीमा। तो इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ बताती चलूँ आपको, यहाँ मेरे पास 400 ग्राम चिकन का मिंस मौजूद है, कीमा मौजूद है, दही मेरे पास मौजूद है आधा कप, हरी मिर्चें मैंने इसको बारीक इस तरह से एक स्लाइस कर लिए, दो कर लिए इसके, और यहाँ मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ मेरे पास एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, यहाँ मेरे पास एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी 1/4 टीस्पून मेरे पास मौजूद है, 1/4 टीस्पून मेरे पास वाइट पेपर मौजूद है, एक दालचीनी का टुकड़ा मौजूद है, 8 से 10 यहाँ मेरे पास काली मिर्चें साबुत मौजूद हैं, लौंगे 5 से 6 मेरे पास लौंगे मौजूद हैं, ज़ीरा मेरे पास 1 टेबल स्पून मौजूद है, 1 टीस्पून मौजूद है, और पिसा हुआ गरम मसाला मेरे पास यहाँ जिसको मैंने क्रश किया हुआ है, क्रश गरम मसाला मेरे पास 1 टेबल स्पून मौजूद है, और पिसा हुआ धनिया मेरे पास, कोरिएंडर पाउडर मेरे पास 1 टेबल स्पून मौजूद है, और अदरक लहसुन क्या? जी अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून मौजूद है, ऑयल हम 1/2 कप लेंगे, टमाटर मेरे पास ये 3 नॉर्मल साइज के टमाटर थे जिनको मैंने रफली सा काट लिया है, प्याज मैंने 2 अदद यहाँ ली है, और हरा धनिया मेरे पास फॉर गार्निशिंग के लिए मौजूद है। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग ऑयल डालेंगे। जी सबसे पहले टमाटर को देख के मैं परेशान हो रही हूँ, आजकल बड़े महंगे मैन, 100 रुपीज़ kg 1 किलो ऑयल हमारे पास यहाँ गया, और अच्छा। साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज को शामिल कर दिया। तवा से में गर्म हो चुका है। जी तवा ऑलरेडी हमने गर्म करने रख दिया था, ठीक है, और प्याज ये हमारे पास यहाँ शामिल हुई है, आराम आराम से करिएगा, और तवा मुझे कुछ थोड़ा सा सही है, छोटा तो नहीं है, नहीं वैसे वो हो जाएगा प्याज, हाँ वो ड्राई हो जाती है ना प्याज, स्पेस कम लेता है ये, गुड। तो यहाँ जो है वो प्याज हमारी जब तक हो रही है, साथ साथ हम इसके अंदर इधर ये मैं जरा इसको यस ओके अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसके साथ ही शामिल कर दूंगी। जी नाज़रीन देख रहे हैं आप, ओके। अच्छा मुझे मैं आज बताऊं आपको, ये जो है ना मुझे बहुत शौक है, जो ये तवे के ऊपर कढ़ाई में ये लोहे की चीजों में पकाना मुझे बहुत पसंद है, फ्लेवर अलग होता है। अच्छा इसका टेस्ट वाकई में बहुत मजे है, अगर आप लोग इन चीजों में कुकिंग करेंगे, मिट्टी के बर्तन में करेंगे, तो उसका फ्लेवर अलग आएगा, एक स्वाद सा आएगा मजेदार सा, यकीन। अच्छा यहाँ कीमा मेरे पास मौजूद है, मैंने ये साथ ही कीमा इसमें शामिल कर दिया है। ये लोहे की कढ़ाई और तवे पे आप कुछ भी बनाएंगे ना, नो डाउट बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे मेरे पास वहाँ, यहाँ मैं वो शामिल कर रही हूँ सारे के सारे, और यहाँ 1 टेबल स्पून मेरे पास जो पिसा हुआ धनिया था मैंने वो शामिल किया है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है, ठीक है, हल्दी शामिल करी है, गुड, साबुत गरम मसाला शामिल करा है, स्पाइस मौजूद है डिपेंड ऑन यू, और गरम मसाला जो क्रश किया हुआ था इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बनस्बत पिसे हुए गरम मसाले से, और लाल पिसी हुई मिर्च, ये तमाम मसाले इसके अंदर शामिल हो गए। ओके ओके, और क्या रह गया? टमाटर रह गए मेरे हमारे पास, तो ये टमाटर मैं इसमें इसको जरा सा भून लूं। आओ अब आप भूनो, मैंने तो ये इसको पकड़ के करूँ, तो जरा सा ये मूव ना करे, गुड हो गया। शाइना शुमाइल को आज मैं, अच्छा यहाँ जो है ये देख सकते हैं आप, कीमा भून रहा है और तवे का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, आउटस्टैंडिंग खुशबू, यमी यमी। ये प्याज जो है आप इस तरह फाइन चॉप करेंगे तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगी, इसलिए जो है मैंने इसको प्याज को थोड़ा सा ब्राउन नहीं करा, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि ये आर्मी के साथ साथ इसे मैं आज तो खाऊंगी, कल इसको एक घर पे ट्राई करूंगी तवा कीमा। बिल्कुल इस रेसिपी को आप लोगों ने भी जरूर ट्राई करना है, और अपना फीडबैक देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। टाइम पर मैं जा रही हूं इसको आप दम पे, ये जो है टमाटर मेरे पास थे मैंने ये भी इसमें साथ साथ शामिल कर दिए हैं, देखिए 1 मिनट रह गया चलना, बस ये बता दे, ओके डन हो गया, इसको दम पे रखना है। दही मेरे पास जो मौजूद थी, दही भी मैं इसमें 1/2 कप मैंने शामिल किया है, और ऊपर से हम इसके अंदर ये हमारे पास ग्रीन चिलीज है, ये सब हम इसमें डालेंगे यहाँ, और थोड़ा सा हरा धनिया हम कुकिंग करते हुए डालेंगे, और थोड़ा सा हम ऊपर ढक देंगे, नहीं ढकने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चिकन कीमा है, और अगर ये बीफ पकाते रहना है, इसको 15 मिनट आपने मैक्सिमम पकाना है, और इस तरह से इसको
जो आपके टमाटर्स हैं करते रहे तवा की मैं ना शाइना, बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया। आज जरूर सा टाइम कम है इसलिए, लेकिन ये इंशाल्लाह हम जरूर अभी टेस्ट करेंगे जब भी पक जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सुबह आ गई, फिर सुबह, क्या हंसी है सबको।